ਵੱਡੀ ਟਿਮਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟਿਮਰੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਵਾ ਪੈਪ ਜਾ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਅੱਜ ਲੱਗ ਤੁਮ ਭਾਈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी कि गुड़ बनाने से पहले कौन कौन सी गांव में जो है ना तैयारियां की जाती हैं। तो यहां पे जो है ना मेरे भाई लगे हुए थे वेलने की सेटिंग करने, क्योंकि गर्मियों में ये काम नहीं होता, सर्दियों में होता है, तो इसलिए फिर ये सारी चीज़ें खोल के रख दी जाती हैं। सर्दियों में फिर दोबारा से इसको ना फिट किया जाता है, तो काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। तो ये जो आपको गोल सी चीज़ नज़र आ रही है, ये करा है, इसके अंदर जो है ना गुड़ बनाया जाता है। और ये जो आपको एक गोल सा चूल्हा टाइप चीज़ नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो है ना करा को रखा जाता है और नीचे इसके जो है ना आग जलाई जाती है। उधर वाली साइड पे जो आपको एक होल नज़र आ रहा था, वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और आग जलाता है, और फिर एक साइड पे जो है ना धुआं निकलने का भी इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ से जो है ना ये धुआं निकलता है। तो ये सारा काम जो है ना ये हाथ से किया गया है, हाथ से ये सारा जो है ना चूल्हा वगैरह जो भी है सारा कुछ मिट्टी के साथ बनाया हुआ है। तो इसका क्योंकि अब ये सर्दियों का मौसम है, गन्ने आ गए हैं, तो फिर गुड़ भी बनाया जाता है। गाँव में घरों में अपना गुड़ होता है, आगे सेल किया जाता है। तो जब ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि गुड़ कैसे बनता है। आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।